सुबह सुबह नाश्ते में क्या बनाए क्या बनाए, जब सब्जी भी ना हो घर में, तो ये रेसिपी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं ये रेसिपी देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ हमने 100 ग्राम प्याज लिया है, 2 टमाटर, 1 टमाटर लिया है, 2 लहसुन लिया है। इसको हम छील के इस तरह से हम 10 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे पानी में। और ये टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, लहसुन को भी हमने छील के अलग कर लिया है। अब एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, ये कटे हुए प्याज जो है ना, ये हम सब कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी डाल के थोड़ी देर 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। हाँ, पकाएंगे ना, तो जैसे ही ये थोड़ा सा पकेगा आपको अलग ही दिखेगा, सब ट्रांसपेरेंट दिख रहे होंगे, थोड़ा पिंक पिंक दिख रहा होगा। बस इसी स्टेज में हम लहसुन डालेंगे। लहसुन को भी हमने थोड़ा सा कूट लिया है, आप देख सकते हैं कूटने का कारण क्या है, थोड़ा जल्दी बनेगा। सुबह के नाश्ते में अगर बना रहे हो तो जल्दी ही बनना चाहिए ना। तो अब इसमें हम एक हरी मिर्ची काट के डाल देंगे। ये हमने सब मसाले डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और लास्ट में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और मसालों को पकाने के लिए, मसाले थोड़ा सा न जले इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसाले जैसे ही थोड़ा सा पकने में आ जाएंगे, हम ये टमाटर डाल देंगे, टमाटर भी पानी छोड़ता है ना। तो बस जैसे ही पक जाएगा, हम इसमें अमचूर, बहुत सारा अमचूर पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर डाल के, ये कसूरी मेथी है, इसको हम हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस, कितना टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप घर में कभी भी बना के खा सकते हैं, आप देख सकते हैं। और मेरी रेसिपी हमेशा आपको सिंपल ही मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल।